सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज रात के एपिसोड में भी आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की एक बार फिर से हमें मुंह बहस देखने को मिलने वाली है, जहां पर लिविंग रूम में सभी घर वाले बैठे होते हैं। अब इसी लड़ाई के बीच में आसिम रियाज जो है वो आरती सिंह को सिद्धार्थ शुक्ला की फिक्स डिपॉजिट बता देते हैं। फिक्स डिपॉजिट से क्या मतलब था आसिम रियाज का? हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है यशू समर, ले आए हूँ आप लोगों के लिए बिग बॉस के घर से एक्सक्लूसिव अपडेट। आप देखते रहिए द टॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइस यार, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो ऑल है बेल आइकन में उसको भी क्लिक कर देना। अब बताऊँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन गया है इस बात का, और मुद्दा बनना भी चाहिए, और सलमान खान इस बात को वीकेंड के बारे में आसिम रियाज से ज़रूर यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि आसिम तुम्हारा मतलब क्या था फिक्स डिपॉजिट का। यहाँ पर जब सिद्धार्थ भी ये बात पूछते हैं आसिम से, फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है तेरा, तो वहाँ पर बोलते हैं आसिम रियाज कि तुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस बात पर यहाँ पर फिर सिद्धार्थ शुक्ला बोलते हुए दिखते हैं हमें कि फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर ये मेरी आरती को बोल रहे हैं, और बहुत ही डर्टी ये बात है कि फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको हम यहाँ पर एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब एक तरह से आपको मैं समझाऊँ क्या, आपको भी पता होगा कि किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आसिम रियाज ने फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर बोला है आरती सिंह को। अब इसी कन्वर्सेशन में यहाँ पर पारस छाबड़ा बताते हुए दिखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर आसिम रियाज ने क्या बोला था। उसके बाद आरती सिंह फूट फूट कर रोने लगती हैं और बिग बॉस से कहती हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, इस ये चीज़ें मुझे काफ़ी इफेक्ट करती हैं। तो गाइज, एक लड़की को इस तरह बोलना, अब मुझे देखना है कि जो फेक फेमिनिस्ट हैं या फिर जो यहाँ पर ब्लू टिक वाले लोग हैं जो एकदम आ जाते हैं कि लड़की की ये कर दिया, लड़की के लिए वो कर दिया, अब वो यहाँ पर क्या स्टैंड लेते हैं आसिम रियाज को, क्या वो कुछ बोलेंगे इस बात के ऊपर, या यहाँ पर भी वो आसिम रियाज का सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं हमको। अब मैं तो चाहता हूँ कि सलमान खान ज़रूर यहाँ पर इस वीकेंड का वार पर आएँ और इस टॉपिक को ज़रूर उठाएँ और आसिम रियाज को एक लेसन ज़रूर सिखाएँ कि अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा तमीज़ से बोलें और थोड़ा अपने शब्दों को देखकर बोलें कि आप बोल कर रहे हैं। किसी लड़की की इज्जत पर बोलना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आसिम रियाज, आप कितने भी बड़े यहाँ पर अब सेलिब्रिटी बन गए हो बिग बॉस के घर में आके, लेकिन आपको बनाया इसी घर ने है, और आप ये चीज़ें मत करिए कि आपको डुबाए भी यही घर। अगर आप आसिम रियाज के फैंस हो तो आप यार मुझे गाली ज़रूर दोगे, लेकिन भाई बात बोलूंगा बिल्कुल सच, ठीक है? अगर आपको बुरी लगती है तो आप एक बार सोच कर बोलो कि अगर आपके घर वालों को कोई ऐसे बोले कि फिक्स डिपॉजिट है किसी की, तो आपको कैसा लगेगा? उसके बाद आप क्या बोलेंगे उसके ऊपर? आसिम रियाज की आप तब भी साइड लेंगे? जो भी होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाली देनी है गाली खुल के दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलूंगा वही जो बात सच होगी। वीडियो पसंद आए तो यार शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मेरे चैनल को देखते रहना। कीप ऑन वॉचिंग द टॉलीवुड रिपोर्टर।